हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ वो है कुछ बेहतरीन हैबिट्स सक्सेसफुल पीपल की, सक्सेसफुल लोगों की क्या वो आदतें होती हैं जो उनको बेहतरीन बना देती है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक आदत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ग्रो कराने के लिए। फर्स्ट थिंक विन विन। यस माय डियर फ्रेंड, जीतूंगा मतलब जीतूंगा, जीतूंगा मीन्स जीतूंगा, जीतूंगा मीन्स जीतूंगा, जीतूंगा मीन्स जीतूंगा। जिंदगी से हार का ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं हारने और जीतने का, तो अक्सर हार ही हो जाती है। इसलिए जीतने का सोचिए और जीत कर दिखाइए। जो इंसान डाउट रहता है जिसके दिमाग में कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो यकीन मानिए नहीं कर सकता। जब दिमाग में आ जाता है या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं जीतूंगा, तो इंसान अपने आप जीत के दिखाता है। शार्प योर स्किल्स। यस, आप में से कई लोग जो आज एजुकेशन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ लिमिटेड क्यों होती है? क्यों आपका ग्राफ एक वक्त आने के बाद रुक जाता है? ये ठीक उस तरीके से होता है जैसे एक पेंसिल होती है। पेंसिल, आप उस पेंसिल को लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, अचानक से उसकी जो नोक होती है वो मोटी हो जाती है, उसमें ब्लंटनेस आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में भी चलते चलते ब्लंटनेस आ जाती है। उस वक्त हम क्या करते हैं पेंसिल को देख के? कटर से उसको शार्प करते हैं। उसी तरीके से यदि हमको ज़िंदगी के अंदर यदि अपनी पुरानी ताकत को पाना है या बेहतरीन बनाना है, तो खुद को शार्प करिए दोस्तों। नेक्स्ट लर्निंग, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीजों को पहली प्रायोरिटी दें। आप इसको कैटेगराइज करें इस तरीके से, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, एंड नेक्स्ट नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। इस तरीके से आप प्रायोरिटी दें। जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है पहले करें, जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं उसको दूसरे नंबर पे करें, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है उसको तीसरे नंबर पे करें, और जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है उसको लास्ट में करें। द वेरी नेक्स्ट हैबिट, बी इन कंपनी विथ गुड पीपल। आप उन पांच लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को रखिए, बेहतरीन लोगों को रखिए, बेहतरीन सोच लोगों वाले लोगों को रखिए। कहते हैं यदि 9 अमीर लोगों के साथ आप साल भर रहते हैं तो 10वें अमीर आप बन जाते हैं, लेकिन यदि आप 9 नालायक लोगों के साथ महज 3 महीने रहते हैं तो 10वें आप बन जाते हैं। आपकी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। टीम वर्क, यदि आप अकेले चलेंगे तो थक जाएंगे। यदि आपको 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, अकेले 10 किलोमीटर जाने की कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन 10 लोग एक एक किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले होंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और थकावट भी नहीं होगी। इसलिए टीम, एक बेहतरीन टीम को बिल्ड करिए और उनको आप काम अलॉट करिए। जब आपके उस बहुत सारे काम बटे होंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्क का हो, चाहे फिनेंस का हो या टाइम का हो। अपना वर्क मैनेज करिए, अपने फाइनेंस मैनेज करिए, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे सही जगह लगने चाहिए, एंड टाइम का मैनेजमेंट करिए। ये सफल लोगों की आदतें होती हैं। नेक्स्ट हैबिट, फॉरगेट सक्सेस एंड फेलियर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सर पर सक्सेस चढ़कर बोलती है, ऐसे लोग नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर पाते, और ऐसे लोग जो फेलियर को दिल पे लगा लेते हैं वो कभी उठ नहीं पाते हैं। इसलिए जो सक्सेस मिल गई ठीक है, एक पल एंजॉय कर लो उसको, भूल जाओ। जो फेलियर मिल गया ठीक है, रात गई बात गई, अपने काम में जुट जाइए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अभी असली उड़ान बाकी है। मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू एक इम्तहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में लेकिन सारा जहान होता है दोस्तों।